स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड राज्य के करमाली जनजाति से जुड़े हुए कुल 14 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति का कार्य लोहे को गलाकर औजार बनाना है? और चार जनजाति के नाम दिए गए हैं, संथाल, करमाली, उराव और हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करमाली। झारखंड राज्य की करमाली जनजाति का मुख्य रूप से कार्य लोहे को गलाकर औजार बनाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? और चार ऑप्शन हैं, हजारीबाग, चतरा, देवघर और लातेहार। तो झारखंड राज्य में हजारीबाग एक ऐसा जिला है जहां पर करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में करमाली जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 72,424, 45,450, 84,055 और 64,154। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 64,154। वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग झारखंड राज्य में करमाली जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 64,154 है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करमाली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? और चार ऑप्शन हैं यहां पर, 54.8%, 34.9%, 62.4% और 72.8%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 62.4%। करमाली जनजाति की साक्षरता दर वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग मात्र 62.4% है। और अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? और चार ऑप्शन है, 7, 8, 9 और 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7। करमाली जनजाति में कुल गोत्रों की संख्या मात्र 7 है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? हटुआ, हठुआ, पोन, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हठुआ और पोन। करमाली जनजाति के लोगों के द्वारा वधु मूल्य के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द हैं हठुआ और पोन दोनों को। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में शव संस्कार क्या है? और चार ऑप्शन हैं, शव को दफना देना, शव को जला देना, शव को जलाना और दफनाना दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शव को दफनाना। करमाली जनजाति के लोगों के द्वारा शव को दफना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख किसे बोलते हैं? प्रधान, मुख्य मालिक, मालिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालिक। करमाली जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख को मालिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में ग्रामीण देवता को क्या बोला जाता है? और चार ऑप्शन हैं, कुदरा कुदरी, संरची, धर्मेश और सिंगबोंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संरची। करमाली जनजाति के लोगों के द्वारा ग्रामीण देवता को संरची बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्नलिखित में से कौन है? और चार देवता का नाम है, मरांगबुरु, सिंगबोंगा, धर्मेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंगबोंगा। करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली समाज में धार्मिक कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं? और चार ऑप्शंस हैं, पाहन, बैगा, ओझा और गुड़ाइत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाहन। करमाली समुदाय में धार्मिक कार्य पाहन के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को विश्वकर्मा की वंशज मानती है? और चार जनजातियों के नाम है, कोरा, करमाली, कोरवा और संथाल। तो झारखंड राज्य की वह जनजाति जो अपने आप को विश्वकर्मा की वंशज मानती है, उनका नाम है करमाली। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत करमाली जनजाति है? 0.74%, 0.34%, 0.89% और 0.56%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0.74%। झारखंड राज्य में जितनी भी जनजातीय आबादी है उसका मात्र 0.74% करमाली है। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन करमाली जनजाति के कुल देवता हैं? और चार ऑप्शंस हैं, ठाकुर देव, मरांग बुरु, बूढ़ा बूढ़ी और जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बूढ़ा बूढ़ी। करमाली जनजाति के कुल देवता का नाम है बूढ़ा बूढ़ी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।